Today I am going to teach you the fourth chapter of EVS of class 1, that is my family. So in this chapter we will learn two main points, that are number 1, what is the meaning of family, and number 2, what are the types of family. So what is the meaning of family? फैमिली का मतलब होता क्या है? फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स हु लिव टुगेदर. मीन्स फैमिली क्या है? फैमिली जहाँ लोग एक साथ रहते हैं. मीन्स मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. ठीक है. और व्हाट आर नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 3 टाइप्स ऑफ फैमिली. ओके, नंबर 1 स्मॉल फैमिली, नंबर 2 बिग फैमिली, नंबर 3 joint family. So what is a small family? A family where 3 to 4 members live together. Okay, एक ऐसा फैमिली जिसमें 3 से 4 मेंबर रहते हैं उसको हम लोग स्मॉल फैमिली बोलते हैं. बिग फैमिली, अ फैमिली वेयर मोर देन 4 to 5 मेंबर्स लिव टुगेदर. मीन्स ऐसा फैमिली जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं उसको बिग फैमिली बोलते हैं. एंड जॉइंट फैमिली, अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स ऑल लिव टुगेदर. ऐसा फैमिली जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंट के बच्चे सब एक साथ रहते हैं उसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दीज 2 पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 4, माई फैमिली. हियर इट इज़ गिवन 2 क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली. ओके, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली. आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं आपको लिखना है. ठीक है. अगर 4 है तो 4 लिखिएगा, 5 है तो 5 लिखिएगा, जितने मेम्बर्स आपको लिखना है. ठीक है. राइट द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली. आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है. ठीक है. यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है आपका, तो इस ब्लैंक में नाम लिखना है. ठीक है. वी ऑल लिव इन अ फैमिली. हम लोग सब फैमिली में रहते हैं. ठीक है. आप भी फैमिली में रहते हैं और हम भी फैमिली में रहते हैं. ठीक है. अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. अभी क्या हम बताएं कि फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें बच्चे, मम्मी पापा, ठीक है, सब साथ में रहते हैं. ठीक है. चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स हु लिव टुगेदर. सम फैमिलीज इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, अंकल्स एंड आंट्स ऑल्सो. कुछ कुछ फैमिली में आप दादा दादी को भी देखेंगे, अंकल आंट भी मिलेंगे, कजन्स मिलेंगे. ठीक है. वी शेयर मेनी थिंग्स विथ आवर फैमिली एवरी डे. और हम लोग हर दिन अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं. ठीक है. द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आ फैमिली इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली. और हम लोग की फैमिली का हेड कौन होता है? जो हम लोग की फैमिली में सबसे बड़े होते हैं. मीन्स बहुत सा किसी के फैमिली में दादा दादी होते हैं तो वो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली हुए और वो हेड होते हैं. हम लोग के मीन्स सबसे बड़े होते हैं, हेड होते हैं. ठीक है. जिस फैमिली में दादा दादी नहीं होते, मम्मी पापा और भाई बहन होते हैं, तो उस फैमिली में एल्डेस्ट पापा हुए तो पापा हेड होंगे. ठीक है. सो ये इट इज़ गिवन टाइप्स ऑफ फैमिली. अब हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली के कितने टाइप्स होते हैं. दिस इज़ अरिहान्स फैमिली. ही लिव विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रेन इन द सेम हाउस. ठीक है. देखिए फैमिली का पिक्चर दिख रहा है. ये पिक्चर किसका है? अरिहान्स फैमिली का पिक्चर है. अरिहान का फैमिली पिक्चर है. ठीक है. इसमें कौन कौन दिख रहे हैं? दादा दादी दिख रहे हैं, मम्मी पापा दिख रहे हैं, अंकल आंट दिख रहे हैं और बच्चे दिख रहे हैं. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली. जिस फैमिली में दादा दादी, अंकल आंट, मम्मी पापा, कज़न रहते हैं उसको हम लोग जॉइंट फैमिली बोलते हैं. ठीक है. लिखा हुआ है ना, इन द सेम हाउस, सच अ फैमिली इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. अंडरस्टूड. दिस इज आयशाज़ फैमिली. ठीक है. और ये फैमिली किसका? ये आयशा का फैमिली. सी लिव विथ हर ग्रैंड मदर. किसके साथ रहती है? दादी के साथ. ग्रैंड फादर, दादा, मदर एंड फादर और मम्मी पापा एंड 1 ब्रदर और एक भाई. यह हर फैमिली इज़ अ बिग फैमिली. तो ये कौन सा फैमिली हुआ? ये बिग फैमिली हुआ जिसमें दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं. ठीक है. तो कितने मेंबर हुआ? 6 मेंबर्स. तो 5 to 6 मेंबर बिग फैमिली होता है. ठीक है. अंडरस्टूड. ओके. यार इट इज़ गिवन दिस इज़ अ सिमरन्स फैमिली. ये किसकी फैमिली है? सिमरन की फैमिली. पिक्चर देख रहे हैं आप. सी लिव विथ हर मदर, फादर एंड हर ब्रदर. और सिमरन किसके साथ रहती है? अपने मम्मी पापा और भाई के साथ. सच अ फैमिली इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली. और वैसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली, इसमें 4 मेंबर्स है, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव अ कॉमन सरनेम, शर्मा, जैन, सिंह, खान और सम कॉमन इंडियन सरनेम। सरनेम किसको बोलते हैं पहले ये समझिए, ठीक है। सरनेम मीन्स समझो कि नाम के बाद जो नाम लिखा जाता है उसको हम लोग सरनेम बोलते हैं, जैसे हम लोग उसको टाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सिमरन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अगर सिमरन का सरनेम खान है या शर्मा है, ठीक है, तो उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई, सबके नाम के बाद ये शर्मा लगेगा। मीन्स नाम के बाद जो भी रहता है, जैसे राम सिंह, तो सिंह क्या हुआ, सिंह एक सरनेम हुआ, नाम के बाद जो लगता है उसको सरनेम होता, और वो सरनेम पूरी फैमिली, एक कॉमन फैमिली में सबका होता है, ठीक है, सेम सेम होता है, उसको हम लोग सरनेम बोलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, एग्जांपल दिया हुआ है, शर्मा होता है, जैन होता है, सिंह होता है, खान होता है, कॉमन इंडियन सरनेम हुआ, ये सब कॉमन इंडियन नेम्स है जो इंडिया में अक्सर सबका सरनेम ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। लर्न मोर, इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली ओनली वन पेरेंट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन अदर मदर और फादर, ठीक है। ये भी एक तरह का फैमिली होता है जिसमें सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें या तो बस मम्मी होती है या तो फिर फादर होते हैं, मम्मी और बच्चे या तो फादर और बच्चे, इसको सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं, जिसमें बस एक सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है। हैविंग फन विथ फैमिली, ठीक है, अब हम लोग अपनी फैमिली के साथ कैसे मस्ती करते हैं चलिए देखते हैं। During festival and celebration like birthdays and marriage, we meet those members of our family who do not stay with us. ऐसे बहुत सारे फैमिली में होते हैं, आपकी भी फैमिली में होते हैं कि बहुत मेंबर्स हम लोग के साथ नहीं रहते हैं, दूर में रहते हैं, तो हम लोग कब मिलते हैं वो मेंबर्स के साथ, जब हम लोग के घर में शादी होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तब हम लोग वो मेंबर लोग के साथ मिलते हैं जो हम लोग से बहुत दूर रहते हैं, हम लोग से मिलने आते हैं, फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं, शादी होती है तो शादी में आते हैं, ठीक है। तो वी ऑल्सो विजिट देम ड्यूरिंग हॉलीडेज, या तो फिर छुट्टी होते हैं तो हम लोग वो लोग के घर जाते हैं मिलने के लिए, ठीक है। व्हेन वी ऑल गेट टुगेदर वी हैव लॉट्स ऑफ फन, और जब हम लोग पूरी मेंबर्स एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं ना, ठीक है। तो हियर इट इज़ गिवन अ बॉक्स, ब्लू बॉक्स, पेस्ट योर फैमिली फोटोग्राफ हियर्स, ठीक है, आपको इसमें अपना फैमिली फोटोग्राफ पेस्ट करना है। मीन्स जिस फोटो में आप लोग की पूरी फैमिली की हो उस फोटो को आपको यहाँ पेस्ट करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो टर्न द पेज, हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे फैमिली में एक दूसरे को किस तरह हेल्प करते हैं चलिए देखते हैं। माय फादर इज़ द डॉक्टर, इसमें पिक्चर में दिख रहे हैं ना, देखिए इसमें बताया जा रहा है, माय फादर इज़ द डॉक्टर, मेरे पापा एक डॉक्टर है, माय मदर इज़ द टीचर, मेरी मम्मी एक टीचर है, ऑल ऑफ अस शेयर द वर्क एट होम, और हम लोग एक दूसरे को घर में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं काम, ठीक है। वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन द फैमिली, और हम लोग सभी को, आपको भी और हमको भी, सबको अपने फैमिली में एक दूसरे को मदद करना चाहिए काम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मम्मी ही काम करे, हम सबको एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए फैमिली में। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस, अब आप लिखिएगा इसमें कि आप अपने पेरेंट्स को किस तरह घर में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन में आपको लिखना है कि आप अपने घर में अपनी मम्मी को, अपने पापा को किस तरह हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड। सो इन दिस चैप्टर इट इज़ गिवन दिस मच, you have to read the chapter nicely and also do the exercise, okay, so let's move to the exercise, times to answer. Here it is given the exercise number A, fill in the blanks with a fill in the blanks, okay, you have to fill the blanks, okay. Number 1, it is given a family with grandparents, parents, uncle, aunt, their children is a, अभी हम बता चुके हैं कि जिस फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन कजन्स होते हैं उसको कौन सा फैमिली बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली, इज़ अ ज्वाइंट फैमिली, अंडरस्टूड, इसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। अ फैमिली विथ पेरेंट्स एंड वन ब्रदर और सिस्टर इज़ अ, और जिस फैमिली में मम्मी पापा और एक भाई बहन होते हैं, मीन्स 4 मेम्बर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल फैमिली, ओके। तो यू विल राइट स्मॉल फैमिली। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज कॉल्ड द डैश ऑफ फैमिली, और सबसे बड़े मेंबर को मीन्स जो हम लोग की फैमिली में सबसे बड़े उसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली. यू विल राइट HEAD, हेड ऑफ द फैमिली. ओके, ऑल मेंबर ऑफ अ फैमिली हैव अ कॉमन डैश. ठीक है, अभी हम बता चुके हैं कि सब फैमिली मेंबर्स के नाम के बाद जो लगता है वो सब फैमिली मेंबर में सेम होता है, मीन्स एक कॉमन फैमिली मेंबर में सेम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरनेम. ओके, NAME, सरनेम. अंडरस्टूड. ओके, मूविंग टू द एक्सरसाइज नंबर 2B. हु इन योर फैमिली डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, मीन्स आपके घर में ये सब काम कौन करता है. अंडरस्टूड. तो आपके घर में जो काम, ये सब चीज़ में जो 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 काम करते हैं आपको वही लिखना है. ठीक है, सो हियर इट इज़ गिवन कुक्स फूड जनरली, और सारे घर में आई थिंक सबके घर में, मेरे घर में तो मेरी मम्मी ही खाना बनाती है, आपके घर में भी आपकी मम्मी बनाती होगी. तो कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है, तो आप लिखिएगा मदर, MOTHER, मदर. अंडरस्टूड. हियर इट इज़ गिवन क्लीन द हाउस, कौन करता है क्लीन, तो मदर. लुक्स आफ्टर यू व्हेन यू आर सिक, कौन देखभाल करता है आपका जब आप बीमार पड़ते हैं, तो अगर आपके पापा देखभाल करते तो आप लिखिएगा फादर, अगर मदर करती तो आप लिखिएगा मदर. इफ सिस्टर देन यू कैन ऑल्सो राइट सिस्टर. आई एम राइटिंग मदर. जो भी करता है आपको वही लिखना. ठीक है, हेल्प्स यू विथ होमवर्क, कौन हेल्प करता है आपको होमवर्क बनाने में, तो अगर आपके बड़े भाई है तो बड़े भैया करते हैं तो आप ब्रदर लिखिएगा, बहन करती है तो सिस्टर लिखिएगा, फादर करते हैं तो फादर लिखिएगा, मदर करती है तो मदर लिखिएगा. तो हम यहाँ लिख रहे हैं ब्रदर. ओके, गेट्स यू रेडी फॉर स्कूल, कौन तैयार करता है स्कूल, जनरली मम्मी ही तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे घर में पापा भी तैयार कर देते हैं, तो आपके घर में आपको जो तैयार करता है आपको वही लिखिएगा. हम मदर लिख रहे हैं. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज नंबर C. दिस क्वेश्चन यू विल, एक्सरसाइज नंबर C यू विल राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन द कॉपी. अंडरस्टूड. Exercise number D. Write yes for the task in which you help your family member and no in which you don't. Means ये सब काम में अगर आप help करते तो आप लिखिएगा yes, अगर नहीं तो लिखिएगा no. Keeping your room clean. तो of course आप लोग साफ रखते ही होंगे अपने रूम को, जो रखते हैं वो yes लिखिएगा, जो नहीं रखते वो no लिखिएगा. कीपिंग बुक्स एंड क्लोथ्स इन कबर्ड, ये काम तो हम भी करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप नो लिखिएगा, लेकिन अगर आप अपने कबर्ड में कपड़े रखते हैं, बुक्स अच्छे से रखते हैं तो यस लिखिएगा. पैकिंग योर स्कूल बैग योरसेल्फ, अगर आप खुद से अपना स्कूल बैग पैक करते हैं तो आप यस लिखिएगा, अगर नहीं करते तो नो लिखिएगा. वाटरिंग द प्लांट्स. सो फोर्थ नंबर इज वाटरिंग द प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स में पानी, पेड़ पौधों में पानी कौन देता है, अगर आप देते हैं तो आप यस लिखिएगा, अगर नहीं देते हैं तो आप नो लिखिएगा. ओके, सो अगर हम नहीं देते हैं तो हम नो लिखेंगे, अगर आप देते हैं तो यस लिखिएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. सो लेट्स मूव टू द एक्टिविटी. ओके, हियर इट इज़ गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. अंडरस्टूड. Here it is given activity time. This is a Ravin's okay family tree. इसकी family tree है, Ravin की family tree. Make your own family tree. Write the name of your family member as Ravin has written. देखिए ये family tree है, Ravin की family tree है, Ravin family tree बनाया है अपनी. देखिए इसमें दिया हुआ है ग्रैंड फादर दिया हुआ है, ग्रैंड मदर दिया हुआ है, फादर दिया हुआ है, अंकल दिया हुआ है, मदर दिया हुआ है, रवीन का पिक दिया हुआ है, कजन्स का पिक दिया हुआ है, आंट का पिक दिया हुआ है. अंडरस्टूड. सो होमवर्क फॉर दिस चैप्टर इज दैट यू हैव टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन दैट ट्री. Understood. And the second homework for this chapter is that you have to complete the exercise number A, B, D in the book and exercise number C in the copy. This much is about this chapter. Thank you all.